सर आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? जमन लाल रेगर, स्टेशन अधीक्षक सोजत रोड। तो अभी आप वर्तमान में स्टेशन अधीक्षक सोजत के अंदर ही हैं? हाँ यस सर। तो सर आज आपने आप आश्रम के अंदर विजिट किया है, आपको कैसा लगा यहाँ पर, यहाँ सब चीज़ों को देखकर? यहाँ पे आने के बाद में एक तो आत्मा को शांति मिलती है, यहाँ की व्यवस्था अच्छी है और यहाँ पे किसी प्रकार का ना कोई प्रलोभन है न कोई लूट कसोट है। यहाँ पे आते हैं सब शांत मन से आते हैं, सेवादार यहाँ के बहुत अच्छे हैं, सब अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं और बाबा रामपाल के प्रति बहुत अनुष्ठा है। आपने बताया कि यहाँ पर काफी अच्छे से यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं मेंटेन्ड है, तो यहाँ से जो समागम वगैरह होते हैं तो उसमें काफी दूर दूर से लोग आते हैं, तो क्या इससे जो स्टेशन है उसके कुछ प्रॉफिट या उसके राजस्व में भी कुछ फर्क पड़ा है? हाँ, इसमें जब ये 3 दिन का मेला लगता है तो उसमें हमारे को 1.5 से 2 लाख रुपए की इनकम होती है। जो भी सेवादार आते हैं जब टिकट लेके आते हैं और टिकट लेके जाते हैं तो 1 से 1.5 लाख के करीबन पर डे की इनकम होती है, उससे हमारा राजस्व भी बढ़ता है और रेलवे विभाग की आमदनी भी बढ़ती है। आप वहाँ स्टेशन में कार्यरत हैं और काफी बड़ी संख्या में लोग उस स्टेशन के अंदर आते हैं, तो कैसा लगता है आपको संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए व्यक्तियों का वहाँ पर जो उनका व्यवहार होता है? नहीं, सभी सेवादारों का व्यवहार बहुत अच्छा रहता है, सब शांत मन से आते हैं, सभी शांत मन से जाते हैं, आराम से उठते हैं, आराम से बैठते हैं और हमारी तरफ से भी उनके बैठने की सारी व्यवस्थाएं रहती है कि कोई परेशान नहीं हो प्रशासन की तरफ से। आपने भंडारा प्राप्त किया है तो कैसा लगा आपको यहाँ का भंडारा? भंडारा बहुत अच्छा है, स्वादिष्ट भी है और यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, सब अपनी अपनी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, मतलब किसी को कोई कहता नहीं है कि आप यहाँ ये काम करो, नहीं, सब अपने अपने हिसाब से सब काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर। ठीक, धन्यवाद सर।